ओके, तमाम बच्चे जो है मश्क खोलें जवाब शिकवा का, ठीक है, मश्क खोलें जवाब शिकवा का। सफा नंबर 22, अल्फाज माने हम नहीं करेंगे। दूसरा सवाल देखिए, नजम जवाब शिकवा का मरकजी ख्याल शायर और हालात के पस मंजर के हवाले के साथ लिखी है। इस सवाल को उतारें अपनी कॉपी में। नजम जवाब शिकवा का मरकजी ख्याल शायर और हालात के पस मंजर के हवाले के साथ लिखी है। अल्फाज सॉरी, शायर के जो है हम लोग नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ सवाल इतना लिखिए कि नजम जवाब शिकवा का मरकजी ख्याल लिखें, ठीक है, नजम जवाब शिकवा का मरकजी ख्याल लिखें, ये आप सवाल लिखें। मिस आप क्या करवा रही है? मैं मरकजी ख्याल करवा रही हूँ। ओके आप लोग जो है अपने अपने रजिस्टर में सवाल उतारिए, नजम जवाब शिकवा का मरकजी ख्याल तहरीर करें, नजम जवाब शिकवा का मरकजी ख्याल तहरीर करें। मरकजी ख्याल है, शुरू से पढ़ रही हूँ। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की तरफ से एक नजम शिकवा लिखी थी, जिसमें उन्होंने अल्लाह से कुछ शिकायत किए थे, जिसमें उन्होंने अल्लाह से कुछ शिकायत किए थे। आवाज क्लियर है ना मेरी? जिसमें उन्होंने अल्लाह से कुछ शिकायत किए थे, उसी के जवाब में शिकवे लिखो या शिकायत लिखो, अंदाजा बात एक ही है, ठीक है। अगर आप शिकवे लिख रहे हैं तब भी सही है, शिकायत लिख रहे हैं तब भी सही है, ठीक है। उसी के जवाब में फिर उन्होंने जवाबे शिकवा लिखा, उसी के जवाब में फिर उन्होंने जवाबे शिकवा लिखा, उसी के जवाब में उन्होंने फिर जवाबे शिकवा लिखा, क्योंकि मुसलमान उस वक्त क्योंकि मुसलमान उस वक्त दीन से बहुत ज्यादा दूर हो रहे थे, क्योंकि मुसलमान उस वक्त दीन से दूर हो रहे थे। अल्लाह क्योंकि मुसलमान उस वक्त दीन से दालिए नून दीन से दूर हो रहे थे। आमना, क्या फिर से बोलूं? दीन से दूर हो रहे थे, इसलिए जरूरी था कि इसलिए जरूरी था कि उन्हें सीधे रास्ते लाया जाए, इसलिए जरूरी था कि उन्हें सीधे
सीधे रास्ते लाया जाए। इसलिए अल्लामा इकबाल ने पहले शिकवा और फिर जवाबे शिकवा लिखा। इसलिए अल्लामा इकबाल ने पहले नज़म शिकवा और फिर जवाबे शिकवा लिखा। इसलिए अल्लामा इकबाल ने पहले नज़म शिकवा और फिर जवाबे शिकवा लिखा। मैं शायद मैं समझी नहीं, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए जरूरी था कि ऐसे बता दें जी। इसलिए जरूरी था कि उन्हें सीधे रास्ते पर लाया जाए, ये लिखा आपने। इसलिए जरूरी था कि उन्हें सीधे रास्ते पर लाया जाए। इसलिए अल्लामा इकबाल ने पहले नज़म शिकवा और फिर जवाब शिकवा लिखा। यहाँ तक लिखें फिर मुझे बताएं कि आपने लिख लिया है। अब आगे हम लिखेंगे कि नज़म जवाब शिकवा में उन्होंने नज़म जवाब शिकवा में उन्होंने मन जाने बल्ला नज़म जवाब शिकवा में उन्होंने मन जाने बल्ला मन जाने बल्ला उन्होंने मुसलमानों को नज़म जवाब शिकवा में मन जाने बल्ला उन्होंने मुसलमानों को उनकी कोताहियों से आगाह किया। नज़म जवाब शिकवा में उन्होंने मुसलमानों को उनकी कोताहियों से आगाह किया। कोताहियों कैसे लिखेंगे? काफ वाव ते अलिफ ता शोशे वाली है ये वाव और नून गुन्ना। उनकी कोताहियों से आगाह किया मुसलमानों को, बताया कि मुसलमानों को उनकी कोताहियों से आगाह किया। अलिफ मदा काफ अलिफ गा और गोल वाली है। उनकी कोताहियों से आगाह किया और बताया कि मुसलमान अल्लाह से और बताया के मुसलमान अल्लाह से अपना के मुसलमान अल्लाह से अपना हक की वफादारी नहीं निभाते। मुसलमान अल्लाह से अपना हक की वफादारी नहीं निभाते। हक लिखिएगा, उसके नीचे जे लगाएगा, फिर वफादारी लिखिएगा। हक की वफादारी नहीं निभाते।
अल्लाह के वो अल्लाह के अहकामात पर भी अमल नहीं करते, वो अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करते, और अपने फायदे को देखते हुए वो अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करते, और अपने फायदे को देखते हुए हर जायज नाजायज काम कर गुजरते हैं, और अपने फायदे को देखते हुए हर जायज और नाजायज काम कर गुजरते हैं। खत्मा लगाइए इसके बाद। मुसलमान अल्लाह की अता की गई नेमतों का भी शुक्र नहीं करते, मुसलमान अल्लाह की दी गई नेमतों का भी शुक्र अदा नहीं करते, मुसलमान अल्लाह की अता की गई नेमतों का भी शुक्र नहीं करते, इसलिए उन्होंने जो शिकवे किए वो जायज नहीं, जब उनके आमाल ही दुरुस्त नहीं, तो वो शिकवा करने का हक भी नहीं रखते, बस इतना। आखिरी लाइन फिर दोहरा रही हूँ, जब उनके आमाल ही दुरुस्त नहीं तो वो शिकवा करने का भी हक नहीं रखते। तमाम बच्चों ने मरकजी ख्याल लिख लिया है जो भी मैंने बताया, सही है? आप लोगों ने जवाब शिकवा का मरकजी ख्याल लिख लिया है। अब आप अपने किताब की मश्क का सवाल नंबर 6, नज़म जवाब शिकवा में मुसलमानों की जिन कमजोरियों का तस्करा किया गया है वो तरतीब बार लिखें, यानी कि 1-2 करके आप लोग तरतीब से लिखेंगे। पहली कौन सी जो है वो कमजोरी बयान की गई, उसके बाद कौन सी कमजोरी बयान की गई है, उसके बाद आप उन कमजोरियों को दूर करने की चंद तजावीज भी लिखेंगे। यह सवाल आपको खुद करना है, क्योंकि मैं आपको पूरा नज़म समझा चुकी हूँ अच्छे तरीके से। आप नज़म में से कमजोरियां ढूंढेंगे और उन कमजोरियों को लिखेंगे, और उसके बाद मुसलमान उन कमजोरियों को कैसे दूर करें उनके लिए तजावीज भी देंगे। ये सवाल आपको खुद करना है, ठीक है? इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी। इसके बाद नीचे आपको मिसाल भी दी गई है, कोई साइल ही नहीं, कमजोरी बताई गई है, ठीक है? और फिर इसको दूर करने कैसे की जा सकती है, देखें यहाँ पे आपको कॉलम बना के दिखाए गए, मिसाल भी दी गई, कमजोरी लिखी पहली के कोई साइल ही नहीं, यानी कि कोई मांगने वाला ही नहीं है। तो अब इसका आप कैसे इस कमजोरी को दूर करने का तरीका कैसे बताया है कि मुसलमान अपनी हालत पर इतने मुतमइन है कि उसकी बेहतरी के लिए कोशिश तक नहीं करते और ना ही अल्लाह से सवाल करते हैं। आपको देखिए पहली कमजोरी क्या बताई गई है, आप बिल्कुल जैसे कॉलम बनाया गया है आप उसी तरीके से लिखेंगे, कमजोरी की हेडिंग डालेंगे, मानी की हेडिंग डालेंगे। आपको पहली कमजोरी क्या बताई गई है, कोई साइल ही नहीं,
और इसका क्या लिखा हुआ है, मुसलमान अपनी अपनी हालात में इतने मुतमईन है कि उसकी बेहतरी के लिए सवाल नहीं करते ना कोई कोशिश करते हैं। सवाल मतलब अल्लाह ताला से रुजू नहीं करते, दुआ नहीं करते, मैं ये कह रही हूँ। ऐसा ना आप ये कहें कि मिस सवाल क्या, ठीक है। मिस सारी कमजोरियां, जी बेटा बिल्कुल सारी कमजोरियां लिखनी है, जो जो मुसलमानों में कमजोरी है। आपको मिसाल भी दी गई है किताब में एक कमजोरी की, तो आप इस तरीके से इसको करेंगे। ये आज आपका होमवर्क है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को तशरीह याद करने के लिए दी थी, ठीक है। अभी हमारे पास 10 मिनट है, मैं तशरीह के टेस्ट ले रही हूँ अभी, ठीक है। वन बाय वन मैं सबसे सुनूंगी, और जिसका मैं नाम लूंगी वो अपना कैमरा ऑफ ऑन करेगा और मुझे बैक कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी और बुक दोनों मेरे सामने रखेगा, ताकि मुझे पता चले कि वो चीटिंग। किसी बच्चे को अगर कुछ नहीं पूछना तो मैं क्लास ऑफ कर देती हूँ। आंसर कीजिए मुझे। ओके ठीक है। ओके बच्चा, मैं क्लास वैसे भी ऑटोमेटिकली 2-4 मिनट में ऑफ हो जाएगी। मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ, पीर के दिन आप लोगों का टेस्ट होगा, क्योंकि पीर के दिन मैं आपको हल्की फुल्की एक्टिविटी करवाऊंगी तारीफों को लेकर। इसके अलावा आप लोग तारीफों की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन है। शिकवा का आप वो जो है वो हवाला के साथ, जो मैं पहले भी दे चुकी थी लेकिन आप लोगों ने याद नहीं किया, तो आप कर लीजिएगा। हवाले के साथ तशरीह याद करनी है पहली, और जो है मैं आपको एक्टिविटी दूंगी जितनी भी मैंने इस्लाहात नज़म करवाई हैं उनके मुतालिक, तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप उसे हल कर सकें। ओके क्लास, मैं अपनी क्लास अब ऑफ करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।